IIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 16, वन के मार्ग में। सवैया, पृष्ठ संख्या 115। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरिधीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, पर न कुटी करी हों कित हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल च्वय। जल को गए लखनु है लरिका, परिखौ पिय छाह घरी है ठाढ़े। पोछ पसेव बयारी करो, अरुपाय पखारी हों भू भूरी ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, कै बैठी बिलंब लौकंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 116। प्रश्न अभ्यास, सवैया से। प्रश्न 1, नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों? प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? प्रश्न 4, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। पृष्ठ संख्या 117। भाषा की बात। लखी अर्थात देखकर, धरी मतलब रखकर, पोंछी मतलब पोंछकर, जानी अर्थात जानकर। इन शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में इ को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ धन इ अर्थात बैठी, और हिंदी में बैठ धन कर बराबर बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो। उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। 2, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घरीक है ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर आगे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुट सूखी गए मधुराधर वय। बैठी बिलंब लौकंटक काढ़े, पर्ण कुटी करिहौं कित भय। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।